वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी WMO ने हालिया एक ताजा रिपोर्ट में पूरी दुनिया भर को चेताया है कि दुनिया भर के जो कोस्टल स्टेट्स यानी कोस्टल सिटीज हैं, वह उनका जो जल स्तर है ओशन का यानी समुद्र का, उसका जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो WMO ने एक चेतावनी जारी कर बताया है कि मुंबई, ढाका, शंघाई, लंदन और न्यूयॉर्क समेत दुनिया के कई शहरों पर खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड वर्ल्ड न्यूज। कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट, सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर करें। तो आइए चलते हैं इस खबर की ओर, जिसमें WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक ताजा एक रिपोर्ट यानी जारी किया है, जिसपे वह दुनिया भर के जो बड़े औद्योगिक शहर हैं जो कि कोस्टल सिटीज के नाम से जाने जाते हैं, उस पर एक तरह का खतरा मंडरा रहा है और उसको लेकर WMO ने चेतावनी जारी कर दी है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने 2013 से लेकर 2022 के बीच जो समुद्र का जो जल स्तर बढ़ा है उसके बारे में उसने बताया है कि 13 से 22 के बीच लगभग हर साल 4.5 मिलीमीटर के रेट से ओशन का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। और जैसा कि इसका जो नॉर्मल रेट होता है, इस रेट से कहीं ज़्यादा रफ्तार से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। इसके कारण जो समुद्र के आसपास बसे हुए जो छोटे बड़े शहर और आइलैंड हैं, उन पे एक खतरा सा मंडरा रहा है। वहीं आइलैंड के अलावा भी भारत, चीन, नीदरलैंड और बांग्लादेश जैसे देशों जिसका कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा बड़ा है और इनके तटीय इलाकों में जो आसपास जो आबादी रहती है उनके लिए भी एक खतरा सा मंडरा रहा है। इस पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि बढ़ता समुद्री जल स्तर भविष्य को डुबा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि बढ़ता समुद्री जल स्तर न सिर्फ अपने आप में खतरा है, बल्कि इसके और भी घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जैसे इसकी वजह से पानी, खाना और स्वास्थ्य सुविधाओं तक को भी की जो पहुंच है उसको भी खतरा हो सकता है। वही खारा पानी बढ़ने से समुद्री जीवों के जीवन को भी खतरा हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे टूरिज्म सेक्टर भी खासा प्रभावित हो सकता है, जिससे कि कई सारी कंट्रीज को इकोनॉमिक लॉसेस झेलने पड़ सकते हैं। वहीं WMO ने अपने रिपोर्ट में बताया कि 1900 के बाद समुद्र के जल स्तर में तेजी से बढ़ाव जारी है। वहीं 1993 से 2002 के बीच इसका जो औसत जो रेट था वो 2.1 मिलीमीटर था। वहीं 2003 से 12 के बीच इसका जो रफ्तार है वो 2.9 मिलीमीटर तक बढ़ गया। वहीं अब 2013 से 22 के बीच जो डेटा निकल के आ रहा है उसका जो औसत रफ्तार है वो 4.5 मिलीमीटर तक बढ़ गया है, और यह एक बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है पूरी दुनिया के लिए। वहीं इस रिपोर्ट में जो वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल टेम्परेचर का जो रेट है उसको भी 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया गया, तभी तो अगले 2000 साल में समुद्री जल स्तर हर साल औसतन 2 से 3 मीटर तक ही बढ़ जाएगा। वहीं इस रिपोर्ट में अगर औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है तो उसके क्या परिणाम होंगे उसके बारे में बताया है। तो समुद्र जल स्तर 2 से 6 मीटर तक बढ़ सकता है। अगर यही तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है तब तो फिर 19 से 22 मीटर तक जल स्तर बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, ये थी रिपोर्ट WMO की, जिसने समूची दुनिया को डरा सा दिया है कि अगर टेम्परेचर इसी रफ्तार से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहा तो कोस्टल स्टेट्स, न केवल कोस्टल स्टेट्स सिटीज बल्कि जो इनलैंड यानी जो इनलैंड एरियाज में जो बड़ी बड़ी सिटी हैं उनके ऊपर भी वह समुद्र में जलमग्न होने का खतरा मंडरा रहा है। नमस्कार।